ये क्वेश्चन में क्या दिया गया, पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स अलोंग ए सर्कल ऑफ रेडियस r विद कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सो at बोल रहे हैं कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज e बाय द एंड ऑफ थर्ड रिवॉल्यूशन, ओके आफ्टर द बिगनिंग ऑफ मोशन, देन मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपको पूछा है। सो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है तो आप काइनेमेटिकली के फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपको टाइमिंग से रिलेटेड कुछ भी नहीं दिया गया है। सो हम लोग कौन सा यूज करेंगे, थर्ड वाला फॉर्मूला काइनेमेटिकल का। सो बिगनिंग ऑफ मोशन बोला है, सो बिगनिंग में इनिशियल स्पीड यहाँ पे कुछ दिया नहीं, तो ऑब्वियसली हम जीरो लेंगे। ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, 80s। सो आपको आफ्टर एट द एंड ऑफ थर्ड रिवोल्यूशन बोला है। सो वन रिवोल्यूशन में जो आपका डिस्टेंस कवर होता है क्या होता है, 2πr। सो थ्री रिवोल्यूशन में आपका जो डिस्टेंस कवर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 2πr इंटू 3, ओके। सो कितना हो गया, 6πr। सो आप यहाँ पे 280s का वैल्यू क्या डाल दीजिए, 6πr। सो आपको 80 निकालने को बोला है, सो 80 क्या हो गया, वी स्क्वायर अपॉन 2 × 6 कितना हो गया, 2 × 6πr 12πr होगा। तो ये तो यूज हो जाएगा। अभी यहाँ पे बोला काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर। आपको लिख के दिया ई क्या है, काइनेटिक एनर्जी एट द एंड ऑफ थर्ड रिवोल्यूशन। सो यहाँ पे वी स्क्वायर को आप रिप्लेस कर सकते हैं 2E/m से, तो आप यहाँ पे पुट कर दो। सो यहाँ पे क्या हो गया, 2E/m एंड नीचे 2 6πr। सो दिस 2 गेट्स कैंसल। सो आपका जो फाइनल फॉर्मूला बना क्या बना, E 6πr m। सो बेसिकली फर्स्ट स्टेप हमने काइनेमेटिकल का इक्वेशन निकाला, वहां से हमने ये 80 निकाल लिया। सेकंड हमने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी हमको पता था E = ½mv2। सो v स्क्वायर के टर्म में चेंज कर लिया और यहाँ पे v स्क्वायर को रिप्लेस किया। सो ये दो स्टेप में आपका आंसर आ गया। करेक्ट आंसर इज बी।